नमस्कार दोस्तों, मैं रवि आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल आइकॉनिक इंडिया में। और दोस्तों, जैसा कि थंबनेल में आपने देख ही लिया है कि आज जो बात होने वाली है वो होने वाली है पांच मोस्ट एक्सपेंसिव कॉइन्स ऑफ इंडिया के बारे में। भारत के कौन से पांच ऐसे सिक्के हैं दोस्तों जो प्रकाश में आए हैं और वो सबसे महंगे हैं। दोस्तों, सारी चीज़ें आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगा, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना ताकि आपको भी पता चल जाए जो कॉइन इंडस्ट्री है, इसमें ये जो कॉइन इनकी क्या वैल्यू है और कितनी ज्यादा प्राइस ये आपको दे सकते हैं अगर आपके पास इनमें से कोई भी एक सिक्का मिलता है। तो ये ऑक्शन में, एग्जीबिशन में सिक्के कहाँ से जाते हैं दोस्तों? ये आप ही लोगों के पास से जाते हैं, गोताखोरों के द्वारा निकलते हैं, नदियों में से निकलते हैं, कहीं पुराने जगह पर खुदाई में मिलते हैं। तो ऐसे ही ये ऑक्शन में पहुंचते हैं नीलामी के लिए और वहां पर ये बिकते हैं। तो आज बात होगी दोस्तों टोडी वाला ऑक्शन के बारे में, जो इंडिया का काफी बड़ा एक ऑक्शन हाउस है जहां पर सिक्कों की नीलामी होती है और काफी ज्यादा रेयर कॉइन्स उनकी नीलामी में देखे गए हैं। मैं भी काफी बार ऑक्शन में गया हूँ और आपने मेरी वीडियोस वगैरह भी देखी होंगी, तीन चार वीडियो में ऑक्शन की नीलामी की अपलोड कर चुका हूँ। अगर आप मेरे शुरू से पुरानी वीडियो देख रहे हैं तो आपने देखी होंगी। तो आज जो बात करेंगे पांच सिक्कों की करेंगे और सबसे महंगे सिक्के की बात करेंगे लास्ट में। तो पांच सिक्के मैं कवर करूंगा। सबसे पहला जो सिक्का कवर करूंगा वो लो प्राइस का होगा, उसके बाद जो लास्ट में सिक्का होगा पांचवें नंबर पर, फिफ्थ पोजीशन पर, वो सबसे महंगा सिक्का होगा जो प्रकाश में आया है। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं एक एंशंट कॉइन की। हालांकि एंशंट कॉइन बहुत महंगे भी होते हैं, लेकिन ये जो सिक्का है दोस्तों ये है चंद्रगुप्त सेकंड का। सिक्के की कंडीशन बहुत प्यारी है। ऑक्शन में अगर आप कभी गए होंगे तो वहां पर आपको इजीली ये सिक्के मिल जाएंगे देखने को। चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, ऐसे बहुत सारे एंशंट कॉइन गोल्ड के आपको देखने को मिल जाएंगे। हालांकि मैंने अभी कुछ दिन पहले एक ऑक्शन की एक क्लिप डाली थी, उसमें दोस्तों ये वाला सिक्का शायद आपने देखा होगा, ये सिक्का, ये 11.5 लाख रुपये में दोस्तों मेरे सामने ही बिका था वहां पर। इसकी जो हैमर प्राइस, इसकी जो बोली स्टार्ट हुई थी करीब करीब 5 से 6 लाख रुपये से शायद इसकी बोली स्टार्ट हुई थी, और 11.5 लाख रुपये तक इसकी प्राइस गई थी दोस्तों। तो अब अगर इनकी बात करें ऐसे वाले एंशंट कॉइन के, जो एंशंट कॉइन्स है दोस्तों, इनकी जो प्राइस दोस्तों 2-2.5 लाख, 3 लाख रुपए, 4 लाख रुपए इस तरह से चली जाती है। किस हिसाब से सिक्के बने एंशंट कॉइन में, हालांकि बहुत सारी वैरायटी होती है जिनकी वैल्यू काफी ज्यादा होती है, लेकिन मैंने एग्जाम्पल के तौर पर एक एंशंट कॉइन कवर कर लिया है कि एंशंट कॉइन भी महंगे होते हैं अगर आपके पास कोई एंशंट कॉइन में रेयर वैरायटी है। तो एग्जैक्ट प्राइस क्या है दोस्तों वो आपको ऑक्शन वाले ही बताते हैं जब आप अपना सिक्का उनको बेचते हैं, लेकिन आपको भी अपने सिक्के की जानकारी होना बहुत जरूरी है दोस्तों। अब नेक्स्ट कॉइन कवर करते हैं दोस्तों ब्रिटिश इंडिया का। ये दोस्तों टोडी वाला ऑक्शन में बिका था कुछ टाइम पहले, 6 लाख रुपए में ये टोडी वाला ऑक्शन में सेल हुआ था और काफी रेयर सिक्का माना जाता है। अब इसकी प्राइस डाउन हुई है क्योंकि कुछ सिक्के सामने आए हैं निकल कर, उस समय जब ये 6 लाख रुपए में बिका था टोडी वाला ऑक्शन में, उस समय 6, 7, 8 सिक्के ही प्रकाश में आए थे। लेकिन कुछ सिक्के का जब एक थोड़ा सा लोट निकल कर आया, ज्यादा बड़ा लोट नहीं था, कुछ सिक्कों का लोट था, तो उसके बाद इस सिक्के की प्राइस कम हुई 1939 की। अब नेक्स्ट की बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट सिक्का कौन सा है तीसरे नंबर का, मेरे हिसाब से मुझे देखना होगा। तीसरे नंबर का सिक्का दोस्तों ये है छत्रपति शिवाजी महाराज का, ये गोल्ड कॉइन दोस्तों यहां पर देख सकते हैं, हिंदी में भी लिखा हुआ है छत्रपति। और ये दोस्तों टोडी वाला ऑक्शन में जो बिका था दोस्तों, ये काफी महंगी और काफी ऊंची कीमत में टोडी वाला ऑक्शन में बिका था दोस्तों। 15 लाख रुपए से इसकी प्राइस की स्टार्टिंग हुई थी, जो बिड स्टार्ट होती है 15 लाख रुपए से इसकी बोली लगनी शुरू हुई थी इस सिक्के की दोस्तों। काफी इंटरेस्टिंग चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो पूरी चीजें ध्यान से सुनना आप। 15 लाख रुपए से सिक्के की बोली लगनी शुरू हुई थी और जो बिका था दोस्तों वो 33 लाख रुपए में सिक्का सोल्ड हुआ था दोस्तों टोडी वाला ऑक्शन में मुंबई में। तो ये काफी महंगा सिक्का है और काफी ज्यादा वैल्यूएबल ये सिक्का है दोस्तों। अब अगर नेक्स्ट कॉइन की बात करें, नेक्स्ट कॉइन कौन सा है दोस्तों, वो मुगल शासक नीकू सियार का सिक्का हम कह सकते हैं दोस्तों, क्योंकि ये प्रकाश में आया है। अब इस सिक्के की दोस्तों एक खास चीज और है दोस्तों, ये दो ही सिक्के प्रकाश में आए हैं अभी तक, सिल्वर। ये सिल्वर कॉइन जो आप देख रहे हैं मेरे हाथ में, ये दो ही सिक्के प्रकाश में आए हैं। टोडी वाला ऑक्शन में इस सिक्के की हैमर प्राइस 69 लाख रुपए थी दोस्तों, आप समझ सकते हो 69 लाख रुपए एक सिल्वर कॉइन की हैमर प्राइस।
वजन की बात करें तो वही 10-11 ग्राम का ये सिक्का है चांदी का, जैसे और मुगल सिल्वर रुपी होते हैं। इसकी हैमर प्राइस 69 लाख रुपए, और काफी महंगा और वैल्यूबल सिक्का है। आप समझ सकते हैं कितना ज्यादा ये एक्सट्रीमली रेयर सिक्का है। सिर्फ 2 ही सिक्के ये प्रकाश में अभी तक आए हैं, तो ये मेरे हिसाब से काफी महंगा सिक्का है। और अगर आपको ऐसे पुराने महंगे सिक्के देखने हैं तो आपको ऑक्शन में जाना होगा दोस्तों। अब जो लास्ट सबसे महंगे सिक्के की बात करते हैं दोस्तों, वो ये सिक्का है दोस्तों, मुगल जहांगीर का सिक्का। ये राशि चक्र पर आधारित सिक्के मुगल जहांगीर ने अपने शासनकाल में इशू किए थे, जो कि हमारी जितनी भी राशि है उन सभी पर ऐसे सोने के सिक्के बनाए गए थे। ये देख सकते हो यहाँ पर वृश्चिक राशि पर ये सिक्का आधारित था दोस्तों। तो ऐसे ही जितनी भी राशि है, मीन राशि है, मकर, तुला, कुंभ, जितनी भी राशि है उन सब पर ऐसे गोल्ड सिक्के बनाए गए थे। लेकिन इनका उस समय विरोध हुआ था दोस्तों, क्योंकि उनके हिसाब से ये ठीक नहीं था, तो ये सिक्के गला दिए गए थे दोस्तों। इन सिक्कों का विरोध हुआ था, क्या राशि चक्र के सिक्के ऐसे ठीक नहीं हैं, तो कुछ कॉन्ट्रोवर्सी इन सिक्कों पर हो गई थी, तो ये गला दिए गए थे दोस्तों। तो गलने की वजह से नष्ट कर दिए गए थे सिक्के, तो बहुत कम बचे हैं। तो ऐसा ही सिक्का दोस्तों टोडी वाला ऑक्शन में देखा गया था, ये वृश्चिक राशि पे जो आधारित सिक्का था दोस्तों। इसकी प्राइस की बात करें दोस्तों, कितनी प्राइस में सेल हुआ था टोडी वाला ऑक्शन में, तो पूरे दोस्तों 1.55, 1.5 करोड़ रुपए से भी ऊपर की कीमत में ये सिक्का बिका था मुंबई टोडी वाला ऑक्शन में। अब आप समझ सकते हो कि कितनी ज्यादा वैल्यूएबल सिक्के हैं ये, कितने ज्यादा महंगे सिक्के हैं। तो आशा करता हूँ ये छोटी सी जानकारी आपको अच्छी लगी हो। अच्छी लगे तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर आपको भी पुराने हिस्टोरिकल कॉइन्स की जानकारी में इंटरेस्ट है आपको, तो आप मेरी पिछली वीडियो जाकर देख सकते हैं, मैं ऑलरेडी काफी सारी वीडियो बना चुका हूँ। आज की इस वीडियो को दोस्तों मैं यहीं खत्म करता हूँ। इस वीडियो को दोस्तों देखने के लिए आपका धन्यवाद।